व्हाट इज अप फैंटास्टिक स्क्वाड, क्या हाल चाल। तो फ्री फायर वापस आ रहा है इंडिया में फ्री फायर इंडिया के नाम से, एंड कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जो इस गेम को दोबारा से बैन होने से बचाएंगे। तो इस वीडियो में मैं वही सब बताने वाला हूँ, प्लस इसकी जो रिलीज डेट है वो भी कन्फर्म्ड हो चुकी है, वो भी भारत आ चुकी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको पता ही होगा। और इसके अलावा इसका प्ले रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप जाके प्ले स्टोर पर जाके रजिस्टर कर सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके रजिस्टर कर सकते हो आराम से। तो चलो फिर लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें गेम कब तक देखने को मिलेगा। तो जो गेम है वो 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला है और प्ले स्टोर में ऑलरेडी इसका प्ले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अगर अभी तक नहीं किया तो फटाफट से जाके करो। एंड अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलने वाले हैं। तो जो हमारा पहला फीचर है वो है हमारा प्ले टाइम लिमिट। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक लिमिट दे दी जाएगी गेम को खेलने की, अब वो 4 आवर्स की भी हो सकती है, 6 आवर्स की भी हो सकती है। एंड जब आप वो जो टाइम लिमिट है उसको एक्सीड करोगे तो उसके बाद आप गेम नहीं खेल पाओगे, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। अब 1 घंटे का 2 घंटे का 3 घंटे का वो आपके ऊपर है, बट आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये एक फीचर ऐड किया, एंड ये फीचर आपको ऑलरेडी BGMI में देखने को मिल जाएगा। सो, जो हमारा सेकंड फीचर हमें देखने को मिलने वाला है वो है वर्चुअल वर्ल्ड रिमाइंडर। सो, जब भी आप गेम लॉबी में आओगे एंड गेम स्टार्ट होने से पहले आपको एक वॉइस ओवर या एक टेक्स्ट या दोनों ही आपको शो किया जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो गेम है वो वर्चुअल है, रियल नहीं है, आप जब डिफीट हो तो आप गुस्सा ना कर पाओ। तो इस वजह से ये एक नया फीचर ऐड किया गया है, एंड अगेन ये भी आपको BGMI में ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। तो जो हमारा थर्ड फीचर होने वाला है वो होने वाला है ब्रेक रिमाइंडर। एंड ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्ले टाइम लिमिट है वो तो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका गेम जो है वो बंद ही हो जाएगा अपने आप, एंड आप नहीं खेल पाओगे, लेकिन जो ये आपका ब्रेक रिमाइंडर है ये आपको रिमाइंड करता रहेगा हर कुछ सेकेंड्स या हर कुछ मिनट्स के बाद कि भाई आपका इतना हो गया है एंड आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो इस टाइप का कुछ ये फीचर ऐड किया गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि होने वाला है स्पेंडिंग लिमिट। तो आप फ्री फायर के अंदर भी आपको डायमंड्स खरीदने के लिए कुछ लिमिट लग जाएगी। अब ये नहीं पता कि ये लिमिट जो फ्री फायर है वो खुद से लगा के देगा या हम खुद से लगाएंगे, बट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आप जो डायमंड्स है वो बाय नहीं कर पाओगे फ्री फायर के अंदर। अब वो ये भी हो सकता है कि वो पर मंथ के हिसाब से होगी, भाई पर मंथ आप इतने ही डायमंड बाय कर सकते हो एंड इसके बाद नहीं कर सकते हो। तो ये देखना पड़ेगा, जब गेम आएगा तभी पता चल पाएगा कि ये जो लिमिट है वो हम खुद से लगाएंगे या जो फ्री फायर है वो खुद से हमें लगा के देगा। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर होने वाला है वो है एज लिमिट, एंड ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। जब भी वो लॉगिन करेंगे तो उनको OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा गेम के अंदर लॉगिन करने के लिए। एज यू नो कि 18 साल से कम वालों बच्चों को खुद का सिम या फ़ोन नहीं होता है, तो वो अपने पेरेंट्स के फ़ोन से ही गेम खेलते हैं। तो इस फीचर से जो OTP है वो उनके पेरेंट्स के मोबाइल पे ही जाएगा, ताकि उनके पेरेंट्स को पता चल पाए कि भाई उनका बच्चा फ्री फायर गेम खेल रहा है। चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर की तरफ, जो कि है टॉक्सिसिटी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। सो ये वाला फीचर भी ऐड होने वाला है इस गेम में, एंड इस फीचर के थ्रू जो भी गाली वाली वगैरह देते हैं बंदे उनको आप रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर परमानेंटली शायद उनका जो अकाउंट है वही बैन हो जाए। एंड ये बढ़िया है, ये अच्छा मैकेनिज्म है, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी खेलते हैं, तो एज यू नो कि चलती रहती है गाली वाली वर्ल्ड चैट वगैरह में, तो वो चीज़ उस चीज़ को प्रिवेंट करेगी एंड ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं इस गेम को। सो, उस मामले में ये चीज़ एक नया और बेटर स्टेप है फ्री फायर की तरफ से। तो यही सारी फीचर्स है जो आपको देखने को मिलने वाले हैं फ्री फायर इंडिया में, एंड जैसे कि मैंने बताया 5 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है। तो रेडी हो तो हैं, और अगर प्री रजिस्टर नहीं किया तो फटाफट से कर लो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।